राहुल गांधी देश के समस्त जनता की मजबूत आवाज है और इंडिया 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में देश को नया दिशा देगा। प्रोफेसर परवेज अख्तर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नौजवान दिलों की धड़कन राहुल गांधी के संसद सदस्य पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उनके संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ होने पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रवक्ता, झारखंड प्रदेश वोमेन कॉन्फ्रेंस के महामंत्री, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया के सहायक प्रोफेसर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि हमेशा सच्चाई की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर और मुखरता के साथ संसद में राहुल गांधी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। ये राहुल गांधी की जीत के साथ कांग्रेस पार्टी और देश के लोगों की जीत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का आवाज को दबाने की कोशिश हो रही थी, मगर सच कभी हार नहीं सकता। भले ही कुछ वक्त के लिए सच को दबाया जा सकता है, मगर एक ना एक दिन सच्चाई की जीत होगी और वो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद उजागर हो गया। परवेज अख्तर ने बहुत मजबूती और सच्चाई के साथ राहुल गांधी जी के मानहानि केस के मामले में आज का माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की संविधान की शिक्षा, संविधान के प्रति श्रद्धा, आदर और भारतीय संविधान के दायरे को दर्शाता है और ये फैसला रहते भारत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इस फैसले से राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होगी और फिर से राहुल गांधी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री को लोकसभा में पानी पिलाने के लिए लोकसभा में जाएंगे तथा 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय को गोलबंद करने की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। आगे परवेज अख्तर ने बताया कि मेरी कोशिश है कि इंडिया गठबंधन में अल्पसंख्यकों को भी आबादी के हिसाब से उनको भागीदारी दी जाए। इसके लिए कांग्रेस आलाकमान के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी संपर्क साधा जा रहा है। निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक सशक्त और मजबूत बनकर उभरेगी और नफरत का बाजार खत्म होगा, मोहब्बत का बाजार गर्म होगा। अंत में परवेज अख्तर ने पूरे देश के एक एक जन को इस फैसले के लिए खुशी मनाने का आह्वान किया है। आज भारत के इतिहास में संविधान के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के मानहानि केस मामले में पूर्णेश मोदी के केस में जो निचली अदालतों ने और हाई कोर्ट गुजरात ने फैसला दिया था उसको रोक लगाया है। आज हमें गर्व है कि भारत को ऐसा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ मिला है जो भारत के संविधान की शिक्षा, भारत के संविधान की मर्यादा और भारत के दायरे को कितना वसी बनाया जा सकता है उसकी परख समझ है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। राहुल गांधी के साथ ये जो मामला था बिल्कुल संविधान से परे था और जिन अदालतों ने फैसला दिया था उस पर उंगली उठनी लाजमी थी, क्योंकि सभी संविधान के जानकारों ने कहा था कि पूरा 2 साल की सजा इसमें हो भी नहीं सकती है और क्योंकि मोदी नाम जिसने केस किया है उसके लिए तो था ही नहीं, ये तो जनरल एक बात है और जनरल बात नेता बोलते हैं, कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। राहुल जी पर यह केस सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को तंग करना, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा जो 4000 किलोमीटर पैदल एक सत्याग्रह हुआ और देश में इनकलाब बनकर सबकी आंखें खोली उसके विरोध में था, और राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री से अडानी पर सवाल किया था और प्रधानमंत्री को पानी पिलाया था और इसलिए भाजपा तिलमिला उठी थी और उसने अदालत का गलत अपने पावर का इस्तेमाल करके फैसले मनवाए। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ जैसा काबिल जबाज फैसला इस तरह से होगा तो आने वाले इतिहास के पन्ने पूछे जाएंगे। आज का फैसला राहुल गांधी के लिए ऐतिहासिक दिन है, कांग्रेस के लिए खुशी का दिन है, जश्न का दिन है और हमें बहुत बड़ी खुशी मिली है कि राहुल गांधी पुनः लोकसभा में जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को पानी पिलाएंगे। दूसरे कांग्रेसी शर्म से पानी पानी होंगे और आशा का पूर्ण विश्वास है कि वायनाड की जनता में खुशी की लहर होगी और अमेठी में तो मिठाइयाँ बट रही हैं, खुशियाँ हो रही हैं, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरे भारत में सहसराम में मैं हूँ, चारों तरफ लड्डू और मिठाई कांग्रेसी बांट रहे हैं, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के जर्नलिस्ट सभी लोग खुश हैं और मैं आज बहुत दिल के गहराइयों से धनबाद वासी को, झारखंड, बिहार के सभी कांग्रेस समस्त जनों को, देश कांग्रेस जनों को मुबारकबाद देता हूँ, अकलियतों को देता हूँ कि 2024 में इंडियन
नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस को जिताकर एक तारीख रकम करें और मोदी जी की सरकार भाड़ फेंके, राहुल गांधी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। अरे BLO दीदी, आप आइए आइए, अंदर आइए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं यहाँ मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन के लिए आई हूँ। कुछ दिनों में मैं भी 18 साल की हो जाऊंगी, तो क्या आप मेरा नाम भी मतदाता सूची में जुड़ सकता है? बिल्कुल। 1 जनवरी 2024 तक यदि कोई 18 वर्ष का हो रहा हो तो वो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। तब तो इस घर में एक और मतदाता बढ़ गया। दादी जी का नाम मतदाता सूची से हटवाना भी तो है। हाँ माँ। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुँच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको।